इंटेलिजेंट टारगेट डिलीवरी व्हाइटनिंग टेक्नोलॉजी जो मेलेनोसाइट्स को सही निशाना बनाए और दे रेडिएंट फेयरनेस एवरी यूथ फेयरनेस पील ऑफ बॉर्न टू प्ले। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी। घर अपने खुशियां ले आओ। ₹35 में पिंपल्स और मार्क से भी बचे, पाए क्लियर फ्लेमिश फ्री त्वचा एवर यू तुलसी टर्मरिक फेस वॉश के साथ। कितना अच्छा होता अगर आपको इसे पानी देना पड़ता सिर्फ एक बार। मुमकिन है सिर्फ एक बार LIC की न्यू बीमा बचत पॉलिसी में निवेश करें और हर तीसरे वर्ष निश्चित राशि पाएं। परिपक्वता पर लॉयल्टी एडिशन के साथ भरे गए सभी प्रीमियम वापस पाएं। LIC की न्यू बीमा बचत पॉलिसी, LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। बिजली ने बदली है हमारी दुनिया। कैसे पावर सेक्टर से जुड़कर आप अपने भविष्य को रोशनी से जगमगा सकते हैं, देखिए हुनरबाज स्किल टू विन 26 अक्टूबर से नए समय पर सुबह 10 बजे DD नेशनल पर, पावर्ड बाय BGE&T, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो फेस वॉश एंड NSDC। वेलकम बैक दोस्तों। परिवार के अलावा और कई चीजें हैं जिनका गहरा असर होता है एक बच्चे पर, और उनमें से शायद सबसे अहम जो है वो है सिनेमा। अब मैं नेता देना चाहूंगा हिंदी फिल्म जगत की 3 बहुत ही बेहतरीन और लोकप्रिय एक्ट्रेसेस को। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत एंड परिणीति चोपड़ा। सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। हमारी टीम ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है जो मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर देखें और फिर उसके बाद हम बातचीत करें। सिनेमा का समाज के साथ एक गहरा नाता है, लेकिन औरत और मर्द के रिश्ते को लेकर हमारी फिल्में हमें क्या पाठ सिखा रही हैं? सबक नंबर 1, लड़की के साथ आप लफंगों जैसा बर्ताव करें तो उसे अच्छा लगता है, वो पट जाती है। आ, आ, ये क्या आइटम है? आ, ये तो फर्स्ट क्लास से पीछे सीट है। Idiot! Oh, excuse me. Oh, I'm sorry. लड़का अगर लड़की को जबरदस्ती किस करे तो लड़की को अच्छा लगता है। Love your strawberry lipstick, babe. सबक नंबर 2, लड़की के कपड़ों पर, उसके कैरेक्टर पर कमेंट्स पास करना, उसे नीचा दिखाना, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये लड़कियां ऊंची हील पहनकर जमीन से उठने की बजाय कैरेक्टर से उठना क्यों नहीं चाहती? सबक नंबर 3, पत्नी या महबूबा के ऊपर बेहिचक हाथ उठाया जा सकता है। सबक नंबर 4, लड़की के मना करने के बावजूद उसे पाने की जिद करना हीरोइज्म की निशानी है। काट चुके हैं एक बार अपनी कलाई, इस बार याद रखना तुम्हारी काटेंगे। सबक नंबर 5, लड़की इंसान है ही नहीं, एक चीज है। और क्योंकि लड़की एक चीज है, इसलिए मनोरंजन के नाम पर भद्दे आइटम नंबर्स पेश करने में कोई बुराई नहीं है। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, गटकाले सैया अल्कोहल से। मैल तन की बदन से धुलेगी, आबरू की सिलाई खुलेगी, शर्म का भी लिफाफा फटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। ये सब मनोरंजन है, और इस सब के बावजूद दी एंड से पहले हीरो को हीरोइन हमेशा मिल जाती है। दीपिका, कंगना, परिणीति, हमारे फिल्मों में हम कई चीजें बताते हैं, कई सीख मिलती हैं, जैसे कि जो पहली सीख हमें मिली कि आप लड़की के साथ बदतमीजी करिए तो लड़की जो है वो आपको
आपके प्यार में गिर जाएगी ना। मुझे आपसे पूछना है कि आपकी निजी जिंदगी में, आपकी रियल लाइफ में अगर कोई लड़का इस तरह का बर्ताव करे, बदतमीजी करे, जबरदस्ती करे आपके साथ, तो आप तीनों का क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या आपका रिएक्शन होगा? दीपिका आपसे शुरू करते हैं। मैं उस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करती और मेरे साथ हुआ है। अच्छा, पहले। एंड सो ऑब्वियसली इट्स नॉट समथिंग दैट आई वुड स्टैंड बाय। तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगी? कभी नहीं। कंगना, आप? आई थिंक ये जो फिल्मों में चीज दिखाते हैं और खासकर जो लड़कों में काफी प्रचलित है इस तरह के कहावतें के, लड़की अगर लड़की सेज नो इट मींस यस, तो मुझे ये कभी समझ नहीं आई बात। और मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि जब भी मैंने किसी लड़के को बैक ऑफ होने के लिए कहा है कि मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है, आप प्लीज पीछे हट जाइए, तो मेरा वही मतलब था, नो मींस नो। जी जी जी। परिणीति, अगर कोई स्ट्रेंज लड़का है, वो आपको सडनली आपके साथ जबरदस्ती करे, आपको चूमने की कोशिश करे, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं बहुत सारे हीरो जो हैं, शायद मैंने भी बहुत सारी गुस्ताखियां की हैं अपनी फिल्मों में और मुझे बड़ा शर्म है इस बात का, नहीं सचमुच में, क्योंकि हम उस वक्त हम समझते नहीं कि हम जो दिखा रहे हैं या जो हम सीन कर रहे हैं उसका क्या असर होगा, और इस बात का एहसास मुझे आज है। तो अगर कोई जबरदस्ती करे आपसे, आपको सडनली आके चूम ले, तो आपका क्या रिएक्शन होगा ऐसे मर्द के साथ? मैं डेफिनेटली उसको मारूंगी, कंप्लेन करेंगी, डेफिनेटली डेफिनेटली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैसेज लोगों में उल्टा जा रहा है, उनको लगता है हमारी फिल्मों की वजह से कि लड़कियों को ये ही पसंद है, बदतमीजी पसंद है। मैं एक्चुअली सबको कहना चाहती हूँ कि फिल्मों में और रियल लाइफ में बहुत अंतर है। अगर यू नो, मैं खुद एक छोटे शहर से आती हूँ जहाँ पर एक आइडलाइजेशन होता है कि अगर आमिर ने एक पिक्चर में ऐसा किया या शाहरुख ने ऐसा किया तो मैं करूँगा, तो लड़की इंप्रेस हो जाएगी, क्योंकि जब लड़की ने पिक्चर देखी थी तो उसको बहुत मजा आया था, तो अगर अब मैं रियल लाइफ में करूँगा वो तो डेफिनेटली इंप्रेस होगी। तो मैं भी एक छोटे शहर में हूँ जहाँ पे मैं साइकिल पे स्कूल जाती थी और लड़के साइकिल पे मेरा पीछा करते थे। अच्छा। लड़कों का यही बर्ताव होता था, आना, गाने गाना, फूल फेंकना, मेरी स्कर्ट पे कमेंट करना, ये बोलना कि तुम्हारी सॉक्स तो बड़ी छोटी हैं, तुम्हारी टांगे दिख रही हैं, इतनी ह्यूमिलिएटिंग चीजें होती थी हमारे साथ। बुरा लगता था बहुत ज्यादा, मतलब जब तक आप स्कूल पहुंचते थे जो सिर्फ 10 मिनट दूर था, आपको ऐसा लगता था जैसे शायद बलात्कार जैसी चीज हुई है, इतनी सीरियस, आपको इतनी ज्यादा ह्यूमिलेशन होती थी। मैं कई बार रोते हुए पहुंची हूँ स्कूल। मुझे याद है कि मेरे साथ जब मैं स्कूल में पढ़ती थी चंडीगढ़ में, लड़के ऐसे बाइक पे जाते हैं तो वो लड़की को टच करने की कोशिश करते हैं, और मुझे, क्योंकि वो बाइक बहुत स्पीड से लिया और उसने लिटरली मुझे पंच किया, मेरे चेस्ट में मुझे पंच किया, एंड आई फेंटेड देयर, एंड आई वाज लाइक दैट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट तक आप बेहोश थी? और जब मैं उठी तो मैंने सोचा कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं कि मुझे ऐसे ऐसे टीज किया या मेरे साथ ऐसा हुआ, और मैंने हमें गलत माना जाता था जैसे हमने कुछ किया। तो जो फिल्मों में हम को लगता है कि यार ये बड़ा मजेदार है, ये फन है, तो सिर्फ फन है, वो फन बिल्कुल नहीं है। आई थिंक इससे बुरा ट्रॉमा किसी के लिए भी नहीं हो सकता, दिस इज द वर्स्ट थिंग वन कैन एक्सपीरियंस। फिल्मों में इसका अंत दिखाते हैं, अच्छा होता है, लड़की मान लेती है, रियल लाइफ में इसका अंत कहां जाके रुकता है? जेल में। काश ये सच होता। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, रियल लाइफ में वो जेल में नहीं पहुंचता, रियल लाइफ में लड़की के साथ कुछ ना कुछ वो कर बैठता है। करेक्ट। मैं ये नहीं कहती कि आप डार्क सिनेमा मत दिखाइए और जो वास्तविकता है वो मत दिखाइए, आप दिखाइए, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह से वो लड़की की लाइफ को अफेक्ट करेंगे, उसके फ्यूचर को अफेक्ट करेंगे और लड़के को अफेक्ट करेंगे।